हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम संघीय संसद डिस्कस करने वाले। इसके प्रीवियस लेक्चर भी आप हमारे चैनल में, हमने भारतीय संविधान लूसेंट जीके की प्लेलिस्ट बना दी है, वहां जाके आप बिल्कुल टॉपिक वाइज सीरियल वाइज जो लूसेंट में भारतीय संविधान लिख रखा है वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जाके वहां पे आसान तरीके से देख सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। इस लेक्चर में हम यहां तक पहुंचे तो 14 नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे, संघीय संसद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है लेक्चर को, जब आपको समझ में आएगा। संसद, तो संसद हम जानते हैं फ्रेंड्स, इसे पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। ये भारतीय संसद जो है हमारी, इसे पार्लियामेंट कहते हैं। यह अनुच्छेद, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में, सा से 79, ऐसे याद रखना है, सा से संसद और नाइन से संसद, तो 79 ऐसे याद रख लेना है। तो इसका वर्णन संविधान के 79 में है। 79 में कभी पूछा संसद जो है, संसद, संसद की जननी कहां से हुई थी, यानी इसका जन्म कहां से हुआ था संसद का, तो संसद की जननी जो ब्रिटेन से मानी गई है, ब्रिटेन से। हमने स्रोत में भी पढ़े थे जो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं, तो जननी जो है ब्रिटेन से। और ये शब्द कहां से लिया गया है संसद का, तो ये फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी ब्रिटेन से मानी गई है। तो संसद, यहां पे एक संघीय संसद लिखा हुआ है। संघीय का मतलब होता है संघ, संघ की संसद, संघ जो हमारा संघ है, संघ की संसद की बात की गई है। यहां पे फेडरल की बात की गई है, संघीय व्यवस्था की बात की गई है कि केंद्र में क्या व्यवस्था है, संघीय सरकार की बात की गई है, यानी केंद्र की कैसी सरकार रहेगी उसके बारे में यहां पे बात की गई है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है ना, संसद के बारे में दिया हुआ है। और भारत की संप्रभुता संसद ही है, सर्वोच्च संसद ही है भारत की। जो संप्रभुता हमने पढ़े थे प्रस्तावना में, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यानी हम आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। कोई दूसरा देश हमको नहीं बोल सकते कि तूने निर्णय कैसे लिया, हम संपन्न है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं। तो आप जानते होंगे, तो भारत की संप्रभुता संसद है, है ना। अंतरराष्ट्रीय संधियों का लागू करना भी संसद कर सकती है, अंतरराष्ट्रीय संधियों का लागू भी संसद कर सकती है, और बिना राज्य की अनुमति से, यानी कि कोई राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसद जो है वो सर्वोच्च है, है ना। तो अब बात करेंगे, संसद के तीन अंग होते हैं, जो संसद है, संसद के तीन अंग है। सबसे पहले है राष्ट्रपति, तो संसद के तीन अंग, यहां पे बात हो रही है अंग की, तीन अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने अंग है पूछा जाएगा, तो तीन अंग है। और पूछा संसद के कितने सदन है, तो सदन मतलब सदन, अंग मतलब अंग। तो संसद के कितने अंग है, तो संसद के अंग तीन है, लेकिन संसद के कितने सदन है, तो एक है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, एक है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। तो संसद के अंग पूछेगा तो तीन है, सदन पूछेगा तो दो है, यह आपको याद रखना है ना। वहां पे संसद में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों मेंबर्स होते हैं, तो जो संसद में जो मेंबर्स होते हैं उसे, संसद में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सांसद भी कहा जाता है। मेंबर को सांसद यानी एमपी भी कहा जाता है, इंग्लिश में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, क्योंकि संसद को ही इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा, जैसे ये हो गया एक हाउस, संसद, संसद में एक तरफ है लोकसभा, दूसरी तरफ है राज्यसभा, या बीच में भी कुछ रहता है जिसे कॉमन हाउस कहते हैं, कॉमन हाउस। तो ये आप समझ गए होंगे, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे, लोकसभा क्या होती है, है ना। संसद एक प्रकार का घर है फ्रेंड्स, उसमें एक हाउस है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। यह हमने कहां से लिया गया है, यह हमने कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन में भी हुआ करता था हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन जिसे हमने लिए और उसका नाम लोकसभा रखे, और ब्रिटेन में ही हुआ करता था हाउस ऑफ लॉर्ड,
लॉर्ड का मतलब भगवान या फिर बड़ा उच्च, है ना, तो उसको राज्यसभा। तो ये हमने ब्रिटेन से लिए, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। कैसे शासन किया जाएगा केंद्र में, तो हाउस ऑफ कॉमन जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा, नाम से पता चल रहा है लोक, लोक का मतलब लोक, लोगों की सभा, है ना, जो लोक वहां से चुनके आए प्रतिनिधि, मेंबर जो चुनके आए लोगों के द्वारा, वो लोकसभा है। और राज्यसभा यहाँ पे थोड़े से शिक्षित लोग रहते हैं, ये जनता ने नहीं चुना है इनको, जो लोग वहां पहले जा चुके हैं चुनके लोकसभा में, जो विधायक गए हैं उन्होंने इनको चुना है राज्यसभा के मेंबरों। तो समझ गए आप, कोई बहुत दिक्कत है, याद रखना है लोकसभा के मेंबर ही चुनते, विधान परिषद के मेंबर नहीं चुनते। सॉरी, ये लोकसभा के मेंबर नहीं चुनते, विधानसभा के मेंबर इनको चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर, राज्यों के विधानसभा के मेंबर द्वारा चुना जाता है राज्यसभा, यानी राज्यों के विधानसभा के द्वारा चुना जाता है राज्यसभा के व्यक्तियों। तो अब हम यहां पे समझ में आ गया आपको, है ना, ये अनुच्छेद 79 में लिख रखा है। अनुच्छेद 79 में अगर आप प्लस 89 कर देते हो, प्लस 89 कर देते हो, तो अनुच्छेद 163 आता है। और 163 में भी सेम मंत्रिमंडल दिया हुआ है, जैसे यहाँ संसद दिया हुआ है वैसे ही राज्यों में मंत्रिमंडल दिया हुआ है। जब वो आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया संसद क्या है, संसद समझ में आया, बहुत आसान है, बस अभी इतना याद रखो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च सदन की, यानी राज्यसभा की। तो राज्यसभा के बारे में आप जानते होंगे, राज्यसभा उच्च सदन है, इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में, 79 में संसद, 80 में क्या है राज्यसभा। तो राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा वालों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में जो सदस्य बनते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब जो विधायक हम लोग चुन लेते हैं, जो MLA जो होते हैं राज्यों के, उन लोग उनका चुनाव करते हैं। याद रखना है, विधान परिषद के लोग नहीं करते, सिर्फ विधानसभा में चुने हुए लोग इनका चुनाव करते हैं। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान समय में इनकी संख्या 245 है। वर्तमान समय में इनकी जो संख्या है वो 245 है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो, 245 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान का अनुभव रखते हो। तो ऐसे क्षेत्रों को, तो समझ में आ गया, ऐसे क्षेत्र, इसको इंग्लिश में LAS भी बोल सकते हैं। LAS का मतलब क्या है, यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट, ये लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, LAS याद रखना है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस वाले अनुभवी व्यक्ति को राष्ट्रपति नामित करता है। तो इतना याद रखो यहां से, बस 233 सदस्य संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। 233 सदस्य जो है वो संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 होती है, याद रख लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 साल के होंगे आप जब चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा का। तो 30, लोकसभा का कितना है 25, और विधानसभा कितना है 25, राज्यसभा और विधान परिषद का कितना है 30। तो ये याद रखो, पेपर में आता ही है, बिल्कुल आता है, राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है सदस्य बनने के लिए, 30। कंफ्यूज नहीं होना है, 25 लोकसभा का है, विधानसभा का 25 है, राज्यसभा का 30 है, विधान परिषद का 30 है, राष्ट्रपति का 35 है, उपराष्ट्रपति का 35 है, सरपंच और पंच का 21 है, ये आपको मैंने बता दिया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता, यह एक परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखो, इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होगा नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल, काहे कि ये तो अस्थायी सदन है तो ये भंग ही नहीं किया जा सकता, तो इसका खुद का कार्यकाल कहां से होगा। इसमें जो सदस्य जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, उनमें जो सदस्य, वहां के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
एक तिहाई 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद, जैसे ही 2 साल हुआ, जो 6 साल जिनका कंप्लीट हुआ है उनको रिटायर कर देते हैं, बोले अब निकल तू, तेरा काम खत्म है ना। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई जितने भी सदस्य हैं उसमें से एक तिहाई सदस्य सेवन रिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं और जो पद खाली होता है तो उसका फिर से 2 साल बाद चुनाव होता है और वो पद को भरा जाता है। तो ऐसा है गुरु, समझने वाली बात है। यहाँ पे समझ में आ गया, ये भंग नहीं किया जा सकता, अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यों की बात हो रही है, जबकि ये तो विघटन होता ही नहीं, ये भंग होता ही नहीं है ना। तो राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता, वहां एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं और जो सीट खाली हो जाती है वहां चुनाव होकर उसको भर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 83 के 1 में, ये कि कैसे रिटायर होंगे, कितने साल में होंगे, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 83(1) में। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दी हुई है हमारे भारत में जितनी भी है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा संख्या देखो तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की संख्या है, राज्यसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 है, याद रखो महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में और बिहार में दोनों में समान है, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में समान है। मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं तो ये तो पूछा जाएगा ही है ना। तो मध्य प्रदेश में कितनी है 11, आंध्र प्रदेश में भी 11 है और गुजरात में भी 11 है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, पूछा जाता है। उड़ीसा में 10 है और राजस्थान में भी 10 है। तो राजस्थान और उड़ीसा में 10 है, केरल में 9 है, पूछी जा सकती है। पंजाब और असम में 7 सीट है राज्यसभा की है ना। तेलंगाना, तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में 7 सीट है, 7। झारखंड में है 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट है और उत्तराखंड में भी 30 है। उसके बाद देखो सब इधर एक 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 ही है, तो नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के 7, वहां पे सब एक एक है, 7 नहीं है, जितने लिखे उतने याद रखना है। सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में भी 1 है, गोवा में कितनी है 1 ही है। बात संघीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जो हमारा यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर में 4 है, इसको याद रखो, जम्मू कश्मीर में कितनी है 4 है, पूछी जा सकती है। दिल्ली में 3 है और पुद्दुचेरी में है 1, तो ये रखना है आपको याद। देखो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि यहां से नहीं आएगा, इसलिए आपको जिनमें बिल्कुल एक बार इसको अच्छे से देखो, अच्छे से देखोगे दिमाग को शांत रख के और गौर करोगे तो आपको याद आएगी, और जब एमसीक्यू के रूप में वन डे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित ही आपको बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। जम्मू कश्मीर में है 4 और दिल्ली में है 3 और पुद्दुचेरी में है 1, गोवा में 1 है, इधर एक एक ही वाले हैं तो इनको याद रख लो, और जो राज्य में 2-2 है उनको साथ में एक बार अच्छे से याद रखो। सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का तो आते ही रहता है ना। अब आप सोच रहे होंगे जैसे आप किसी राज्य की पढ़ते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की 11 है ना, मध्य प्रदेश की 11 है तो वहां एसटी की है 6 और एससी की है 4, तो आप सोच रहे होंगे कि गलत बताया मैंने आपको मध्य प्रदेश में कितनी है 11 है, जैसे लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 है ना, तो एसटी की है कितनी, एसटी की है 6 और एससी की है 4, तो एसटी एससी वाला इसमें क्यों नहीं रहता, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान बिल्कुल नहीं रखा गया है, तो राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसे शिक्षितों का सदन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षित लोग जाते हैं, इनको बूढ़ों का सदन भी कह सकते हैं, कि 30 साल के बाद जाए वाले जा रहे हैं है ना। ये याद रखना है, यह एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, विघटन नहीं होता, स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता, शिक्षितों का सदन है, आयु बनने के लिए 30 साल, बूढ़ों का सदन, इसमें अधिकारी होते हैं, एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति, एक तो होगा सभापति तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और एक तो होता है
सभापति, सभापति जो वहीं के सदस्यों में से एक को चुना जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि दोस्तों, और जो मनोनीत किया जाता है, कभी पूछा है आपको, मैंने मनोनीत बताया था अभी, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, ये अनुच्छेद 80 का के तहत है ना, अनुच्छेद 80 का के तहत मनोनीत किए जाते हैं। तो ये याद रखना है, इसको पूरा याद रख लो। उसके बाद देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के सभा के प्रथम सभापति वही होंगे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, ये क्वेश्चन आ सकता है, श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव, इनका नाम याद रखो, ये वन डे एग्जाम या फैक्ट के रूप में कभी भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना, तो जो उपराष्ट्रपति पहले थे वही पहले बनेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव, श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव, इनका नाम याद रखो, ये पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 में है ना, संविधान के अनुच्छेद 89 में, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही रहता है और आगे भी आता ही रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉग की तरह चल रहा है, जैसा फॉग चल रहा है ना भारत में, वैसे ही ये क्वेश्चन चल रहा है एग्जामों में, तो वन डे एग्जामों में आते ही रहता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा अपने किसी सदस्य को, जितने भी सदस्य हैं उसमें से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनेगी, जब जब उपसभापति का रिक्त होगा, जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। मान लो उपसभापति का पद भी रिक्त हो गया, तो तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना सभापति चुनेगी। ये समझने वाली बहुत बात है, बहुत आसान है। देखो आप, उपसभापति का पद रिक्त होने पर त्याग पत्र, पद त्याग या पद से हटाए जाने की बात की गई है अनुच्छेद 90 में। तो देखिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं, उपसभापति का पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाना, यह अनुच्छेद 90 में लिख रखा है, आर्टिकल 90 में। तो इसको पढ़ लेते हैं, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, वह अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, वो अगर चाहे तो सभापति जो है वहां का उसको अपना त्याग पत्र देके अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्ताव करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। तो उनको कम से कम 14 दिन पहले, यह आ सकता है 14 दिन पहले देनी होगी। एक नोट लिख रखा है, देखते हैं, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो, यानी पद से हटाने का संकल्प विचार कर लिया गया हो, तो वहां पीठासीन नहीं होगा। वहां पे कोई पीठासीन, कोई अधिकारी ही नहीं है, सभापति और उपसभापति दोनों को हटाने की बात चल रही है, तो वहां कोई पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 में यहां लिख रखा है। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। याद रखना है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा में तो मंत्रिपरिषद होता ही नहीं, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यह अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए। इसके अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है, 2/3 इंपॉर्टेंट है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है। राज्य सूची हमने पढ़े थे ना, अनुसूची 7वीं में, जहां पे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया था। तो राज्य सूची में उल्लेखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर अस्थाई कानून का निर्माण कर सकती है,
ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता। ऐसा अगर प्रस्ताव पारित कर दिए तो एक वर्ष से अधिक प्रभावित नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा चाहे तो एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या समझ में आया? अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की घोषणा करती है तो अस्थाई कानून बनाया जा सकता है, यह बताया गया इसमें। तो यह पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखो। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है अनुच्छेद 312 के तहत। तो याद रख रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा कितने से? दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा कौन सी होती है? जैसे आईपीएस, आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं। याद रखना, आईएफएस से आप इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेन सर्विस अलग हो जाता है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आता है इसके अंतर्गत, फॉरेन सर्विस नहीं आता। तो ये समझने वाली बात है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक से संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, जिससे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को ना स्वीकार कर सकती है और ना ही उसे कोई संशोधन कर सकती है। तो धन विधेयक क्योंकि लोकसभा पारित करता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, तो राज्यसभा को ना इसे अस्वीकृत कर सकती है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। देखिए, यहां पर राज्यसभा सदस्य दिए हुए हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब तक मात्र 4 लोग राज्यसभा से थे जो प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी लोकसभा से हैं, तो इंदिरा गांधी जब पहली बार 67 में जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये राज्यसभा थी, राज्यसभा की सदस्य थी। तो याद रखना है। इसके बाद जो है 1966 और 67 में एचडी देवगौड़ा जो थे ये भी राज्यसभा सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने थे। और आई के गुजराल 1997-98 में ये भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। इंद्र देव गुम हो गए, ऐसा याद रख सकते हो आप। इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से देवगौड़ा, गुम से गुजराल और मां से मनमोहन सिंह। तो 4 नाम याद रखना है जो पूछे जा सकते हैं पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एमसीक्यू के रूप में। अब बात करेंगे हम आगे। राष्ट्रपति वर्ष में कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कर सकता है। आहूत का मतलब होता है कि बुला सकता है। राज्यसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की अंतिम प्रथम बैठक के नियम तिथि के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो सत्र चलते हैं, सत्र का अंतर कितना होता है? 6 माह का तो होता है। 6 माह के बाद दूसरा सत्र आयोजित हो जाता है, यानी करना ही पड़ता है। तो 6 माह, कम से कम 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए एक सत्र और दूसरा सत्र के बीच की अवधि। राज्यसभा की प्रथम बार गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो गठन पूछेगा तो 3 अप्रैल, अप्रैल के बाद आया मई, तो 13 अप्रैल को पहली बैठक करें इनने। तो ये याद रखना है, तारीख आती है अली। तो समझ में आ गया दोस्तों, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो 52 तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन ये सामने की तारीख आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब बात करते हैं, देखिए राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार का प्रतिनिधित्व नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, और दादर और नादर हवेली और दमन एवं द्वीप और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो याद रखना है। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नागर हवेली, ये दमन और द्वीप और लक्षद्वीप, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो आप गलत कंफ्यूजन कर देंगे। अब बात करते हैं संसद भवन की। तो संसद भवन जो वहां बना हुआ है दिल्ली में, संसद भवन वह एक वृत्ताकार भवन है, यानी सर्कुलर भवन है, सर्कुलर भवन है, एक वृत्ताकार भवन है, जिसका डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने दिया था। सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। इसको 1912-13 में तैयार कर दिया था उन्होंने। संसद भवन की नींव जो है 12/2/1921 से रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि जो है 144 ग्रेनाइट पत्थरों से स्तंभ पर टिकी हुई है। 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ बने हुए हैं उसके बाहर, है ना, आप देखना कभी उसका, वो 144 ग्रेनाइट के पत्थरों के स्तंभ बने हुए हैं, उन पर टिकी हुई है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1921 से लेकर 1927 तक, यानी इसकी नींव किन्ने रखा था बनाने के लिए, तो उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी बनाने के लिए कि हम बनवाएंगे करके। तो लॉर्ड किसके टाइम पे बनाया कभी पूछा? लॉर्ड इरविन के टाइम पे। लॉर्ड इरविन के टाइम पे बना है, ये याद रखना है। और जो जो ये लुटियंस है, ये लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन दिया था, इंडिया गेट का डिजाइन दिया था, जो नई दिल्ली बनी हुई है उसका डिजाइन दिया हुआ था, और जो नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। तो ऐसा है, बहुत सारी चीजों का दिल्ली में इन्होंने डिजाइन दिया है, इसलिए याद रखना है इनका नाम, है ना। इंडिया गेट का डिजाइन भी इन्होंने दिया है, संसद भवन का डिजाइन दिया है, और जो नई दिल्ली है तो लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता था पहले उन्हें। तो ये समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में हमने राज्यसभा डिस्कस किए हैं। देखो राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है, जनसंख्या के हिसाब से, तो इनको आपको याद रखना है। आप जिस राज्य के हैं तो वो भी याद रख सकते हैं, वहां से तो पूछा ही जाएगा, लेकिन यहां से इनको भी याद रखना है। इसके अलावा मैंने जो भी यहां से बताया वो सब परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोकसभा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।